वेलकम टू एक और हमारे रिएक्शन वीडियो में। रिएक्शन वीडियो तो हम ऐसे डाल रहे हैं फट फट एक के बाद एक, तो हर दिन दो तो मिनिमम आएगी आएगी। सब्सक्राइब करी, तीन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है, पता नहीं बीच पे आ जाए। कल परसों 15 भी डालते हैं, कुछ पता नहीं है। तो अभी हम रिएक्ट करने वाले समय, आई थिंक काफी टाइम के बाद इनका थोड़ा बहुत समय रहना की स्टैंड अप कॉमेडी नरक ये नाम है वीडियो का। तो देखते हैं वीडियो आपके साथ, देखते हैं आप भी देखिए हम भी देखिए और लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट दिस इज कॉल्ड पैसा कमाना विदाउट कॉन्टेंट। तुम सबका एक दोस्त होगा जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। ये क्या हुए, इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो? मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो बहन चोद? तो मैडम ने कहा देखो समय बहन चोद मत बोला करो। समय की ऐप तो देख लिया, समय की ऐप अच्छी लग रही है हमारी। अच्छी क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को, मैं कभी सीख नहीं पाया। आजकल बहुत जरूरी हो गया सब सीखना पता है। तो मैंने एक सीए रख लिया ठीक है, वो मुझे कुछ खरीदने नहीं देती भाई। मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई, कह रही डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। मैंने कहा मतलब? कह रही देख मैं तू आज गाड़ी खरीदेगा 2 लाख रुपए की, कल जब तू उसे बेचने जाएगा तुझे सिर्फ उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, हो गया लॉस। मैंने कहा फिर मैं सेकंड हैंड खरीद लेता हूँ। जैसे ही सेकंड हैंड खरीदेगा वो गाड़ी थर्ड हैंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू और गिर गई। मैंने कहा फिर मैं थर्ड हैंड खरीद लेता हूँ। तो ये बच्चों के 10 मिनट करिए आज ऑटो में आया हूँ वो भी चला के। इतना प्रेशर क्यों है पैसा कमाने के लिए यार? मुझे लगता है अगर इन्वेस्ट करना ही है ना यार खुद में करो ना। Everybody has got a nice शायरी चल रही है। Nice, wow, wow. मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है मैम पर आपने नाइस बोला, क्या है आपका हिडन टैलेंट? नहीं कुछ तो होगा ना यार, यू हैव नो क्लू, यू आर नॉट फाउंड इट आउट यार। होगा क्या करते हो आप? स्टिल सेइंग डूइंग व्हाट? मास कम्युनिकेशन। आपको बात करने पसंद है, शो के बीच में मत करो ना बस। मास कम्युनिकेशन वाले तो अलग ही हैं, डिग्री वाले हमारे पास भी हैं। ऑल द बेस्ट विद द जर्नी, आई फाइंड इट, आई फील एवरीबॉडी यार, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू भाई, बकचोदियों की डिग्री हैज गॉट अ हिडन टैलेंट, बट सम टैलेंट्स नीड टू बी केप्ट हिडन। तुम देखो इंडिया हैज गॉट टैलेंट में हर साल एक बंदा आके ट्यूबलाइट गा रहा है। ये कैसा टैलेंट है? उसका बच्चा कहीं स्ट्रीट लाइट कैसे पढ़ रहा है कि बाप ने फिर ट्यूबलाइट? आपको रोको यार, कैसे बनूंगा मैं आईएएस? और तुमने देखा होगा जब भी कोई इंडियाज गॉट टैलेंट में ऐसा कुछ रिस्की करता है ना, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, कोई तलवार खा रहा है, किरण खैर पहले ही डर जाती है। उससे कुछ हो जाए सही है, देखो ना यार। मजा भी तो आया, एक्सीडेंट देखने में थोड़ा थोड़ा तो मजा तो आता है ना। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंबा चढ़ के करके भस्म हो जाए, भस्म भस्म, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा पर मजा आया। पर क्या मरा यार, देखा हमने आज फिल्म में देख लिया है, मजा आया है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लॉन्डो सच बताना, तुम सबने बचपन में बिस्तर गीली करी करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है, मजा आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है। तो हम भा देते हैं उसको मजे में। किरण कह रही है मजा ही नहीं ले रही है यार। अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है, वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुम लोगों ने कौन बनाया करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है कभी सोचा है?
इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रेजिक स्टोरी लेके, सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाते है, मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती, कहाँ डालेगी वो सिंदूर, तुम लोग हंस रहे हो बेशर्म, उसकी बहन टकली है, गरीबों में पंचिंग डाल। महंगी कुर्सी पे बैठ के करता क्या, नहीं करता, अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई, तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना डिफरेंस है पैसे, कभी भी गरीब को होप देता है, अगर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो गरीब कभी नहीं जीतता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कौन बनेगा करोड़पति, मैं करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए, फिर भी हर हफ्ते आता है, आज कौन बनेगा, तुम बनाओ करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिलते हैं, शो का नाम रखो और कौन बनेगा, सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा, सर मेरी माँ बहुत बीमार है, 1 लाख में बाहर जाने जाते हैं, बिजली नहीं है सर, 20,000 सारी ट्यूबलाइट खाली, मेरे बाप ने सारी ट्यूबलाइट खाली, पीछे पूरी पीपीटी चल रही है तो उसकी माँ मर गई है, पीपीटी चल रही पीछे वीडियो, माय पॉइंट इज पूरी ट्रेजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लगा तो अमिताभ बच्चन मुझे ले, और ना ही वो किरण के कितना डर जाते कि वो मैं क्या करूं, अमिताभ बच्चन एज द बॉस सीधा देखता हूं, उस मोमेंट में तुम देखो जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लौट रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है देखिए आपके पास दो लाइफलाइन बची, ऑप्शन बोल देता है ले लो भैया, मैं तो बस बोल रहा हूँ, और आपकी माँ के पास एक भी हम भी जा रहे नर्क जा ही रहे, तुम मजे, तुम मजे तो चले क्या और एक कदम आगे, हाँ मजे लेके जा रहे हैं, देखो चैरिटी जो है ना अच्छी बात है करनी चाहिए यार, लेकिन हर चैरिटी नहीं, मतलब जैसे मैं चैरिटी देख रहा था ठीक है, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है क्रेजी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसको 50 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए, हाँ 100 करोड़, 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए, और दे दिया 2 महीने मैम आप बताओ ठीक है, अगर आप वो माँ हो और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि देख लो आप, देख लो आप क्यों हो रहा है, आपने ट्रांसफर करने था कोई और इलाज भी हो सकता है कि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा इंजेक्शन के बाद, यार मर भी सकता है, सोचो कि लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद, और उससे भी खराब सोचो 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट, मैं तो क्रेजी कर रहा है, चल एक लंड में पुशअप मार,
एस्ट्रोनॉट ही बना सीधा। एक बार भी कम है तेरे को। एक बार वहां भी लड़ पे पुशअप मार। बीकॉम करेगा सर। 16 करोड़ दिया मास कम्युनिकेशन करेगा। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर किड्स ओके इवन फॉर ओल्ड पीपल। आप जैसे मेरी नानी है She's 95. हाँ बस अब तो ठीक है। And alive. ठीक है। अब अगर इस बालिश उम्र में बालिश मेरी नानी को कुछ क्रेजी हो जाए जिसका इलाज ऐसे 1 करोड़ रुपए भी है नानी बोली गए हम तो पैसे डालूंगा बिकॉज आई नो दैट नानी इज अ डेप्रिशिएटिंग अच्छा था अच्छा था आई थिंक काफी फनी समय रहना का ये मुझे तो काफी इन्होंने अच्छा है करा स्टार्ट हाँ ये अच्छा करा पूरा नरक का इन्होंने तो हम तो नरक में ही जा ही रहे हैं मुझे लग रहा है आप भी चलिए हमारे साथ आप भी चलिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और हम अप्रिशिएटिंग एसेट है हम ऊपर ही जाएंगे टेक केयर बाय बाय।